52 सीट आए हैं, और अगर मन से और शिवसेना मिलके दोनों अगर करेगा तो बहुमत 64 तक जा सकता है। एक दो सीट कम गिरेगा तो उसमें वो एडजस्ट कर सकते हैं अपक्ष को लेके। तो वो अगर बीजेपी को साथ में लेंगे तो उनका तो दोनों का आपस में तालमेल कुछ जम रहा नहीं है, कि दोनों का जो भी झगड़ा हो गया है एक दूसरे के ऊपर, जो भी प्रचार में कमिट गलत हो गया ना, मगर सीएम ने जो बात की है वो उनको पसंद नहीं है, और इन्होंने जो बात की है वो उनको पसंद नहीं है। इसमें जीत का यही असर गिरेगा कि शिवसेना और मन से दोनों मिलकर करेगा तो वो दोनों अपना ये बना सरकार बना सकते हैं। इसलिए लगता है कि जितना खर्च होता है वो तो पब्लिक के ही जेब से जाता है ना, गवर्नमेंट अपना कोई जो है टकसाल तो खोली नहीं कि वहाँ से पैसे निकाल निकाल के आपको देती रहेगी। हाँ, टैक्स भर रहे हैं गवर्नमेंट को जो है कि हम ही लोग भर रहे हैं, सारा टैक्स सर्विस टैक्स बढ़ा दिया गया सब कुछ, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है, इसी सब चीज़ में घुस रहा है। तो ये कहीं सरकार गिरा रहे हैं तो कहीं जो है कि महंगाई बढ़ा रहे हैं, पैसा जो है गरीबों को जो है कि जा रहा है। कौन सा अमीर दुखी है? पेट्रोल का भाव कम कर दिया तो पेट्रोल का भाव तो जो है कि अमीरों गाड़ी चलने के लिए, मिडिल क्लास और गरीब तो परेशान है। जो शिवसेना जीत गई है वो अभी पार्टी स्थापन करेगी, कॉर्पोरेशन उनका महापौर होगा, और वो महापौर होने के बाद जो पहले वो लोगों ने कुछ मिस्टेक किया ना, काम नहीं किया, रोड नहीं हुआ, करप्शन हुआ, वो लोग क्या करेंगे अभी, वो उससे सावधान रह के उनका डेवलप करेंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे, और वो पब्लिक का विकास करना ही करना है, नहीं तो अगले 5 बरस में वो लोगों को खड़े कभी नहीं करेंगे। तो अभी ये तो धड़ा वो लोग सीखेंगे, और जीतने के बाद वो तो सब अच्छा ही करें, कल्याण का भला हो जाएगा। ये दोनों गठबंधन करेगा, गठबंधन बन के महानगर पालिका उनका बनेगा मेजोरिटी दोनों का, असर कुछ नहीं पड़ेगा, मतभेद तो होते रहेगा दोनों के बीच में, आपसी झगड़े तो चलते रहेंगे, लेकिन थोड़ा काम के यहाँ पे वो तो काम भी होता रहेगा, ये भी चलता रहेगा दोनों साथ में। राष्ट्रामध्ये शिवसेना ही आघाडीवरतीच असते नेहमी, कारण का बाळासाहेबांच्या नंतर नेतृत्व उद्धव ठाकरेंनी स्वीकारलेलं आहे, त्याच्यानंतर आदित्य ठाकरे आले आहेत। मला असं वाटतं मुंबईमध्ये महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनेची सत्ता असलीच पाहिजे, जेणेकरून आपल्या महाराष्ट्रातली ही मराठी जनता आहे त्यांनी हे बसवलेलं शहर आहे, त्यामुळं शिवसेनेचं राज्य हे नवी मुंबई मुंबई महाराष्ट्रभर पाहिजे।